हाय फ्रेंड, मैं हूँ अलीजादा और आप देख रहे हैं लॉ स्कूल। हम जुडिशरी को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल 176 से 180 तक डिस्कस किया था। आज 181 से 183 तक डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 181 डील करता है एक्टिंग जजेस। इसमें सबसे पहले जो है क्लास वन को अगर हम देखें, इसमें कहा गया कि जब भी कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सीट वैकेंट हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज का जो होता है वो खाली हो, या कोई जज है वो एब्सेंट हो, या किसी भी और रीजन से अपने फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, अपने फंक्शन परफॉर्म करने से कासर हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्लास वन ऑफ आर्टिकल 177 के अंदर जो मैनर बताया गया है, उस मैनर के तहत आर्टिकल जो 177 की क्लास वन है उसमें क्वालिफिकेशंस बेसिकली बताई गई है और तरीकाकार बताया गया है अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी ऊपर वाली दोनों कंडीशन हो के ओहदा खाली हो, या जो जज है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वो एब्सेंट हो या अपने फंक्शन परफॉर्म करने से कासिर हो, तो ये आर्टिकल 177 की क्लास वन के तहत जो है जो मैनर्स बताए गए हैं, जो बंदा क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो हाई कोर्ट के जजेस में से जो बंदा क्वालिफाइड है उसको एज ए एक्टिंग जो जज है वो अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके पास ये राइट होता है कि वो, ऊपर हमने बता दिया कि अगर वाली दोनों कंडीशन होंगी तो फिर जो है हाई कोर्ट के किसी जज को जो बंदा क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, आर्टिकल 137 के अंदर इसकी क्वालिफिकेशन मौजूद है, उसको एज एन एक्टिंग जज जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये टेम्परेरीली होगी, यानी कि टेम्परेरी तौर पर जो है वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। और एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, यहाँ पर जज या हाई कोर्ट से मुराद वो जजेस भी होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस थे जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे। और क्लास टू है कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा वो उस वक्त तक जो इन्फोर्स रहेगी जब तक जो प्रेसिडेंट खुद उसे रिवोक ना कर दे। जब तक प्रेसिडेंट उसे रिवोक नहीं करेगा तब तक जो ये अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी तरीके से जज अपना काम करता रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आर्टिकल 182 के ये है कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए किसी खास पर्पज के लिए जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो आर्टिकल 182 इससे डील करता है। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी भी टाइम जब ये पॉसिबल ना हो कि कोरम की कमी के बाद, यानी कि जितने मिनिमम लोग जजेस चाहिए किसी भी इजलास को कंटिन्यू रखने के लिए उतने जजेस मौजूद नहीं है, तो कोरम की कमी के बाद ये बात या किसी भी और रीजन से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट के जो इजलास है उनको कंटिन्यू ना रखा जा सके, या कोई और रीजन हो जिस पेज पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मजीद जो है वो टेम्परेरी तौर पे कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपॉइंट करना जरूरी है, तो इस सूरत में जो है वो चीफ जस्टिस क्या करेगा कि कंसल्ट करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन जो 135A के अंदर दिया गया था जजेस को अपॉइंट करने के लिए, उसी जुडिशियल कमीशन से जो है वो कंसल्ट करेगा, और कंसल्ट करने के बाद जो है इन राइटिंग जो है वो सदर की मंजूरी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिक्वेस्ट कर सकेगा जो कि रिटायर हो चुका है और उसकी रिटायरमेंट को भी 3 साल का अरसा नहीं गुजरा। सदर की मंजूरी पहले वो सब क्या करना है कि उसने कंसल्ट करना है जुडिशियल कमीशन से, और उसके बाद सदर की मंजूरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करेगा कि जिसकी रिटायरमेंट को भी 3 साल से ज्यादा करता नहीं गुजरा, कि वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर जो है वो एज ए जज एडहॉक जज का जो है वो उदा संभाले। या इसके अलावा बी में है कि सदर की मंजूरी के साथ और मुतलका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी कंसेंट के साथ हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज को हुक्म देगा जो कि क्वालिफाइड है इनकी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, जो क्वालिफिकेशन बताई गई है उनके तहत ऊपर पूरा उतरता है, जो तो जो है वो सदर की मंजूरी के साथ और मुतलका जो चीफ जस्टिस है उसकी कंसेंट के साथ जो है हाई कोर्ट के किसी जज को हुक्म दे सकता है कि वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग जो है जो सुप्रीम कोर्ट के इजलास है उनको अटेंड करे, और इसके अलावा जितना टाइम पीरियड के लिए नेसेसरी है वो एज एन एडहॉक जज जो है टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज का होता जो है वो संभाल ले, और जो इंडिविजुअल जो है वो अपॉइंट होगा एज एन एडहॉक जज उसके पास वही पावर वही ज्यूरिसडिक्शन होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है, मतलब उसका जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होगा। आर्टिकल 183 है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
इसमें कहा गया है कि जो क्लास वन के मुताबिक जो परमानेंट जो सीट है वो क्लास थ्री में जिस तरह कहा गया है वो इस्लामाबाद में होगी, कि जो परमानेंट जो आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो इस्लामाबाद में, उसकी लोकेशन उसकी प्रेस जब इस्लामाबाद में होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं पे भी टाइम टू टाइम जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी और जगह पे फिट समझता है तो वो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को, जिस तरह रजिस्ट्रीज होती है लाहौर रजिस्ट्री या कराची रजिस्ट्री या इस तरीके से वो किसी भी जगह पे जहाँ पे वो फिट समझता है वो अपॉइंट कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट। इसके अलावा क्लास थ्री है जिसका ऊपर जिक्र भी किया गया कि अनटिल के जो इस्लामाबाद के अंदर है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं की जाती तो जहां तक प्रेसिडेंट जो है वो फिट समझेगा वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है उसे अपॉइंट करेगा। यहाँ पर सीट से मुराद जजेस नहीं है बल्कि एक परमानेंट लोकेशन जहाँ पर कोर्ट जो है वो अपना काम करेगी और कोर्ट का जो प्रॉपर काम है वो होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने आर्टिकल 181 से 183 तक डिस्कस किया। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।